इतना बड़ा सा पेड़ है, ये अखरोट का पेड़ है, इसी से हमने इसकी हार्वेस्टिंग की है। ऐसे नहीं है, ये पानी है, पानी ये देखिए मशीन से, ये मशीन से सीधा डायरेक्ट ही आएगा और जो इसका छूटा है वो पीछे साइड में निकलेगा। अच्छा, ये पीछे आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए ये छूटा जो है पीछे। और काफी लोगों ने कॉल भी किया, आबिद भाई आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक है, वो कैसे है? वही तो हमारा काम है कि हम आपको दिखाएं कि वॉश करने के बाद इसे आप देखें खुले आसमान के नीचे रखें, इसलिए आपको जो इसमें सबसे छोटा वाला होगा ना वो नीचे चला जाएगा। नीचे आप देखें गिर जाएगा। अच्छा, आप घुमाओ ये देखे, आप नीचे से आप जब भी अखरोट जाते ना, दो अखरोट साथ में रखने ऐसे करना हल्का सा, एक टूट गया ये देखे, इसमें पूरी स्नो व्हाइट की गिरी है, तैयार हो चुकी है ये पूरी ना, पूरे अखरोट 5 किलो के बॉक्स हैं, 10 किलो के बॉक्स। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूट्यूब इतिहास पे पहली बार आपको हम दिखाएंगे अखरोट सीधे पेड़ से तोड़ के फिनिशिंग तक, ये सारा प्रोसेस आज आपको देखने मिलेगा। तो हम आ चुके हैं आबिद भाई के पास और इनका शॉप का नाम है ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स। तो नाम से जब ऑर्गेनिक है तो आपको ऑर्गेनिक दिखाना बनता भी है, सही बोल रहा ना आबिद भाई? जी सर बिल्कुल सही है, मतलब आपको मानना पड़ेगा, मतलब आप कहते हो ना कि हमारे पास सारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और प्योर सन ड्राई अखरोट मिलते हैं, अखरोट है और आपने दिखा भी दिया आपने। डेफिनेटली सर, मैं आज आपको दिखाऊंगा, उसके तहे दिल से आपको शुक्रिया, हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा एफर्ट लगाया आपने, थैंक यू सर। तो बात करें आबिद भाई, यहाँ मतलब जो प्रोसेस है अखरोट तोड़ने से लेकर फिनिशिंग तक क्या कैसे कैसे होते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ये जो हमारा वीडियो बनेगा इसमें आपको 6 स्टेप्स मिलेंगे, अखरोट अखरोट तोड़ने से उसको वॉश करने के बाद, उसको जो ना सन ड्राई करने के बाद, उसको ग्रेड करने के बाद, पैकिंग करने के बाद, आपको जो ना पूरा प्रोसेस दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अभी आप, अभी आप कहाँ खड़े हैं? अभी मैं अखरोट जो हमने सन ड्राई के लिए रखे हुए हर एक पेड़ का आप देखें, हर एक पेड़ का, जिस किसी पेड़ में आधा किलो, किसी में 10 किलो, किसी में 50 किलो निकले, हर एक को अलग अलग रखा है। अच्छा, ये इसमें क्वालिटी अलग अलग है इसमें, हर एक पेड़ का यानी कि हर एक ट्री का अलग अलग होता है क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई फार्मिंग नहीं है। अब आपको दिखाएंगे फोर्ट के भी, ये जो है ना पेपर शेल अखरोट जिसको हम बोलते हैं। एक सेकंड, मैं आता हूं सामने। जी आप तोड़िए इसको। ये पेपर शेल अखरोट है, ऐसे हल्का सा करना, ये देखिए ये पूरा चूर हो गया, मैं छोटा बच्चा भी तोड़ लेगा। हाँ, इसको आराम से तोड़ सकते हैं। आमतौर पर मैं आपको अखरोट तोड़ने का एक और तरीका दिखाऊंगा, आमतौर पर लोगों का नहीं आता कि बाहर जब भी अखरोट जाते ना, दो अखरोट साथ में रखने ऐसे करना हल्का सा, एक टूट गया, ये देखिए इसमें पूरी स्नो व्हाइट की गिरी है, एक टूट गया एक रह गया। सर वैसे ये तो बहुत अभी ये वैसे वो है ना आपका लचीला है वैसे ये। जी अभी ये ड्राई हो रहा है ना, अभी इसमें 2 दिन लगेंगे और ड्राई होने में, पूरा ड्राई होने में 2 दिन लगेंगे, ये पूरा जो है ना कड़क हो जाएगा, फिर जब आप तोड़ोगे खाओगे तो आपको कश्मीर का याद आएगा और जन्नत जैसा जो है ना। तो सर इसी बात में मुझे सवाल करना आपसे, कई लोग केमिकल वॉश करते हैं, वो क्या होता है? उसी वजह से काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया और काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया, आबिद भाई आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक है, वो कैसे है? वही तो हमारा काम है कि हम आपको दिखाएं कि वॉश करने के बाद इसे आप देखें खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, सही बात, धूप में रखा हुआ है, ऊपर देखिए सन है, ऊपर आसमान है, नीचे ये जब हम धोएंगे हम आपको धोते वक्त भी इसको दिखाएंगे कि हम इसमें कोई भी केमिकल नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते। आमतौर पर आप देखोगे जो हमारे पास होगा नेचुरल होगा, जो अखरोट की जो आप शक्ल देखोगे वो नेचुरल होगी, यानी कि आमतौर पर आप शोरूमों पर देखते हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहाँ पे आप देखते हो अखरोट ज्यादा ही सफेद होते हैं या ऐसे कुछ होते हैं, बट वो केमिकल वॉश्ड होता है। इस वजह से मेरा मेन था आज कि आपको वो वाले अखरोट दिखाऊं। जी ये जो है ना ये तो है, आज आबिद भाई ने सबकी आंखें खोल दी है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं हर एक, आप देखिए वहां तक जाए, ऊपर भी है, बाहर भी है, अखरोट भी है, इसके पीछे भी है, वहां भी चलने वाले वहां भी है। हर एक भाई वैसे कितने पेड़ का ये होगा इस वक्त? यहाँ पे कम से कम 100 पेड़ के आसपास यहाँ पे रखे होंगे ड्राई करने के लिए। आबिद भाई हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप दिखाइए हमें किस तरह टूटता है पेड़ से। हाँ वो मैं आपको कैसे होता है, वो मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, गीले अखरोट भी दिखाऊंगा जो छिलके के साथ में होगा और आपको उसके बाद ये दिखाऊंगा, ये देखिए आप ये पूरा अखरोट सिर्फ इतना करना है, ओरिजिनल अखरोट ये देख, वाह बहुत ही बढ़िया गिरी है। ये 2024 का माल है, ये इस साल का वीडियो है, 2024 का ताजा माल है, इस साल का माल है। इंशाल्लाह जब भी ऑर्डर्स किसी को देने होंगे वो हमें कांटेक्ट करेगा, ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिले, इसी वजह से हमने आज जो है ना ये वीडियो बनाया हुआ। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं ये अखरोट अभी देखिए धूप में सूख रहा है, ड्राई हो रहे हैं। तो अभी भाई इसका पेड़ कहाँ है वैसे? ये आप यहाँ पीछे मेरे देखें, इतना बड़ा सा पेड़ है, ये अखरोट का पेड़ है, इसी से हमने इसकी हार्वेस्टिंग की है। ऐसे ऐसे हजारों पेड़ है, हर एक पेड़ का माल अलग अलग रखा हुआ है, इससे निकाल के हमने इसको जो ना आगे लिया हुआ। इसके बाद आप देखें पेड़ से उतारने के बाद हम इसको बोरियों में रखते हैं सबसे पहले लाके, और इसको यहाँ पे हर एक बोरी का माल जो है अलग अलग है। ये देखें किसी में 2 बोरियां निकली है, किसी में 1 बोरी निकली है, किसी में 10 बोरियां निकली है, मतलब हर बोरी में अलग अलग होता है।
यहाँ पे आइटम मिलने आइटम मिलने वाले हैं। इसका इसके बाद एक और होगी क्लीनिंग, ये ऊपर वाला शेल जो है ना ये निकलेगा। अच्छा। आप इसको हम आपको मैनुअल तरीके से दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको उतारेंगे। देखिए दोस्तों इतनी क्वांटिटी में यहाँ से पूरे इंडिया सप्लाई होता है। यहाँ पे आप देखें ये पूरे यहाँ पे भी इधर दिखा पा रहे हैं, ये अलग पेड़ का अखरोट थे दोस्तों, हर एक पेड़ का अलग अलग रखा है, किसी को किसी के साथ मिक्स नहीं किया हुआ। ये देखिए अब इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद नेक्स्ट होगा कि इसकी जो है ना वॉशिंग होगी। ओके ओके। आप इसकी एक वॉशिंग होगी, नॉर्मल पानी से इसको धोया जाएगा। ये देखिए बोरे में आपको मैंने दिखाया, बोरे के बाद जो है ना आप इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ये आप जाएगा सीधा पानी में धुलने के लिए, सादे पानी में मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे आ जाए। सामने मशीन किस बात की? ये इसके बाद ये क्रेड और यहाँ से आप होने के बाद आप देख रहे हैं कि जब हमने वहाँ से मशीन से अखरोट निकाले जी ड्राई करने को, अब हमने यहाँ पे इसको डाल दिया। अच्छा, ये आप मतलब यहाँ पे धूप में सुखा रहे हैं? आप इसको धूप में सुखा रहे हैं, ये जो है ये धूप में सूख रहा है। अभी इसमें कम से कम 4 दिन लगते हैं सूखने में। ये पेपर शेल अखरोट होता है, बार बार आपने बहुत बार सुना होगा सन ड्राई अखरोट, सन ड्राई अखरोट आपको देखने भी मिल चुका है भाई साहब। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे कम से कम 100 पेड़ का माल जो है ना सूखने को रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे काफी सारे बंदे लगते हैं काम करने में, जो इसको जो है ना हम क्लीन करने के बाद ड्राई करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर बोरियों में भरते हैं या इसको पैकिंग करते हैं। इससे बढ़िया स्वादिष्ट अखरोट शायद कहीं मिले। तो अगर आपको चाहिए दोस्तों फटाफट फोन करिए आबिद भाई को, आपको घर बैठे भी सामान दे देंगे घर बैठे। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये ग्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। इसमें 2-3 नंबर के छानियाँ जो है लगती हैं। अच्छा, ये आप देखें, इसमें आपको जो इसमें सबसे छोटा वाला होगा ना वो नीचे चला जाएगा। ओके। नीचे आप देखें गिर जाएगा। अच्छा, घुमाओ ये देखें, आप नीचे से ये नीचे चले जाते हैं। ये वाले ग्रेड यहाँ पे ए ग्रेड रहेगा। वाह, यहाँ पे ए ग्रेड आपको रहेगा, जिसमें कि सभी जो है ना ए ग्रेड के रहेंगे। आप धीरे धीरे जो है ना ये पूरा जो है ना जितनी भी छोटी दानी होती है, छोटा दाना जितना भी है ना वो नीचे चला जाएगा, ऊपर आपको बक्सी वाला या बढ़िया वाला माल रहेगा इस तरीके का। इसके बाद इसकी एक और ग्रेडिंग होगी कि उसमें हम ये करेंगे, जो भी इसमें काला दाना होगा या कोई खाली दाना होगा उसको बाहर निकाल के इसको साइड में कर देंगे। उसके बाद इसको बॉक्सिंग करेंगे, एक 5 किलो के बॉक्स, 10 किलो के बॉक्स बनेंगे। दिखाना पैकिंग कितना होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे आप पहले देखें, ये आप देखें। ओके, ये फाइनल टच है। अच्छा, यहाँ पे ये माल रेडी हो गया है। क्या बात है, देखिए सच की तैयार हो चुकी है दोस्तों। ये पूरी जो है ना ये अखरोट 5 किलो के बक्से, 10 किलो के बक्से ऐसे होते हैं। हर एक का जो है ना पेड़ का माल ये देखें आप, आपको लगेगा ये जिसको बोलते हैं करेले वाला अखरोट टाइप का, सुना था ठीक है, आज देख भी लिया। ये गोला वाला अखरोट जो गोल टाइप का होता है। अच्छा अच्छा, ये अलग पेड़ का, ये अलग पेड़ का, ये हर एक पेड़ का अलग अलग, यानी कि किसी में 50 किलो निकलेंगे उसके 5 डिब्बे बनेंगे या 10 डिब्बे बनेंगे, किसी में 10 किलो निकलेंगे उसके 2 डिब्बे बनेंगे। ये नहीं कि आप मिक्स करो, अब आपको तोड़ के भी दिखाएंगे यहाँ पे। ये देखिए फिनिशिंग हल्का सा छाटने के बाद जो ये पूरा टाइट जो ना टूट गया, व्हाइट स्नो व्हाइट गिरी है और पेपर शेल है। अब आपको कोई बोलेगा कि आबिद भाई बोलते हैं कि एक हाथ से अखरोट नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल आपके सामने टूट गया। अब ये हमारा क्या है ना कि हमारी प्रैक्टिस होती है, हम करते रहते हैं। अब आप लोगों को करना है उसको 2 अखरोट लेने, उसको ऐसे टच करना है, अरे ये टूटेगा। एक हाथ से 2 टूट गया आपने? हाँ, दो में से एक टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आप एक अखरोट लोगे अंडा भी लेंगे वो ऐसे नहीं टूटेगा, एक तरीका होता है तोड़ने का। तो देखिए पा रहे दोस्तों प्योर क्वालिटी नेचुरल फॉर्म ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको अखरोट यहाँ से मिलने वाला है। तो आपने देख लिया है प्रोसेस, तो इतना बढ़िया प्रोसेस सारे को समझा पाए। तो ये है दोस्तों ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट का एक बेहतरीन वीडियो, सीधा फार्म से आपको हम ये लाइव दिखा रहे हैं, किस तरह पेड़ से तोड़ के पैकिंग तक सारा काम आपको दिखाया है आबिद भाई ने। भैया बात कर रहे हैं ऑर्डर से क्या रखा है आपने इसका?
ऑर्डर हमने रखे मिनिमम 5 kg का ऑर्डर होना चाहिए रिटेल में, ठीक है। होलसेल में मिनिमम 50 या 100 kilo का ऑर्डर होना चाहिए, एज वेल एज इंटरनेशनल भी हम करते हैं, डोमेस्टिक तो करते ही करते हैं, इंटरनेशनल में भी हम सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अखरोट का सीजन था तो इसलिए आपको हमने स्पेशली दिखाया था कश्मीर आके। अब आपको आइडिया लग चुका होगा, नाम से नहीं काम से जानते हैं आबिद भाई को। शुक्रिया आबिद भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर और काफ़ी अच्छा एफर्ट लगाया आपने। तो दोस्तों इनकी शॉप है कश्मीर के अंदर, जो नहीं जानते हैं पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन इनके पास सभी तरह के ड्राई फ्रूट सारे मिल जाएंगे घर बैठे, ठीक है। तो सीढ़ी जाइए आप लोग ऑर्डर प्लेस करिए। तो इसी तरह यहाँ से हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।